आओ 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 दोस्तों, आज हम देखेंगे संस्कारी दंगाई किसे कहते हैं, जो समाज, जो खास मजहब वाले मुसलमानों को इल्जाम लगाकर कहते हैं कि देखो पत्थरबाज, और फिर ट्विटर पर वीडियो शेयर करके, फोटो शेयर करके मुसलमानों का लिखते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस को मेंशन करके, मध्य प्रदेश की पुलिस को टैग करके, बिल्डोजर चलाइए। अब अगर है दम तो बिल्डोजर की आवाज उठाकर दिखाओ। हालांकि मैं ऐसे हाथ डाल के अतड़ियां बाहर घसीट लेंगे तुम्हारे अपने ही, क्योंकि पत्थर अब चलाने वाले कोई और नहीं, ये खुद हैं। मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों, ग्वालियर में एक खतरनाक घटना हुई है जिसको गोदी मीडिया पूरी तरह से पचा गया है, क्योंकि उन्हीं की नस्ल के, उन्हीं के खानदान के, उन्हीं के घर के लोग वहां पत्थरबाजी कर गए हैं। और आपको ये भी बता दूं कि ग्वालियर में इतनी बड़ी घटना होने के बाद शांति क्यों है? शांति इसलिए है क्योंकि यहां हिंदू मुसलमान एंगल ही नहीं है। हिंदू मुसलमान एंगल होता तो हर एंकर भौंक रहा होता, भाऊ भाऊ भाऊ, और उसके बाद इल्ज़ाम मुसलमानों पर ठोक रहा होता। मेरे दोस्तों, पहले ये प्रूफ आपके सामने लगाऊंगा और ये पूरी रिसर्च आपके सामने शॉर्ट में रख रहा हूँ। मध्य प्रदेश तक आज तक के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो जानकारी हम तक है, पहले वो आपको बता रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको अपना विश्लेषण भी मैं अच्छे से दूंगा। आप अच्छे से रखिएगा, संभाल कर, और शेयर करके इसको वहाँ तक पहुँचाइएगा, उस पैखाना गुखोर तक ज़रूर पहुँचाइएगा जो हर बात में मुसलमानों को पत्थरबाज कहता है। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया कि गुर्जर समाज के नाराज लोगों ने कलेक्ट्रेट में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की, पुलिस ने भी कर दिया लाठी चार्ज। बड़े ही शराफत से आज तक के इस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म ने यह बात लिखी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कांड क्या किया है। दोस्तों ये देखिए, मैं बता रहा हूं, दिखा रहा हूं, गुर्जर समाज के संस्कारी लोगों ने, हमारे हिंदू भाइयों ने क्या ज़बरदस्त काम किया है। गुर्जर समाज ने फूलबाग मैदान में जन जागरण यात्रा के समापन पर पूरी भीड़ ने मिलकर, गुर्जर समाज की भीड़ ने डीएम के कार्यालय पर भी हमला कर दिया। कर्मचारियों, अधिकारियों, सीनियर अधिकारियों को देख लीजिए ना, क्या प्रशासन का हाल किया है। प्रशासन का प्रा अलग और शासन अलग कर दिया है, सुझा दिया है प्रशासन को, पत्थरबाजी की, लाठीबाजी की। और आपको बता दूं कि एसडीएम तक की गाड़ी को, डीएम तक की गाड़ी को चूर चूर कर दिया गया। एसडीएम समेत बड़े बड़े आईएएस आईपीएस अफसर भी गुर्जर समाज के इस हमले का शिकार हुए, और दर्जनों पुलिस वाले घायल हैं, जिनमें 3 पुलिस वाले जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये पुलिस की गाड़ियां चीख चीख कर बता रही हैं कि किन शांति दूतों ने ये काम किया है। और ये खबर छुपाई आपसे इसलिए जा रही है क्योंकि ये हिंदू हिंदू आपस में भिड़ रहे हैं। चलिए, इसीलिए कहा जाता है, गैब से जब मदद आती है तो किसी को पता भी नहीं चलता कि ये हो क्या गया। जालिम खुद अपने ही चक्रव्यूह में फंस कर बर्बाद हो जाता है। अभी जब आगे की कहानी आप सुनेंगे तो आप सजदे शुक्र बजा लाएंगे। मेरे दोस्तों, कहानी ये भी सामने आ रही है कि पीएम मोदी के कार्यक्रम की वजह से लगभग 30,000 भीड़ को संभालने के लिए 7 पुलिसकर्मी तैनात थे, 7 पुलिसकर्मी। मामला आगे का आपको बता दूं कि मामला असल में बढ़ा क्यों, तो ये पैराग्राफ देख लीजिए जो कि आज तक के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साफ खुद लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि इस वजह से नाराज हुए गुर्जर समाज के युवक 25 सितंबर सोमवार को फूलबाग मैदान में गुर्जर महाकुंभ का
आयोजन किया गया था जिसमें करीब 10 राज्यों से गुर्जर समाज के हजारों लोग पहुंचे। समुदाय ने पहले ही कहा था कि आम सभा होगी, छोटी छोटी भीड़ होगी, लेकिन बाद में रैलियों के रूप में इकट्ठा हो गए और इन्होंने कहा था कि बस वो कलेक्ट्रेट ऑफिस आकर ज्ञापन अपने सौंपेंगे यानी रिक्वेस्ट एप्लीकेशन देंगे। लेकिन दोपहर 2 बजे के बाद अचानक गुर्जर समाज के जो लौंडे हैं, युवा हैं, वो भड़क गए और उन्होंने पुलिस के एक गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। फिर उसके बाद ट्रैक्टर से स्टंट दिखाने लगे और उसके बाद माहौल गर्मा गया। युवकों ने रोड पर जाम लगा दिया और उसके बाद सारी तस्वीरें आपके सामने हैं। मध्य प्रदेश के आज तक के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म ने चालाकी से वजह छुपाने की कोशिश करी, लेकिन चंद विज्ञापनों के बाद नीचे कोने में आखिरकार वजह सामने आ गई। दोस्तों, गुर्जर समाज की मांग ये है, इस सारी जगह फसाद की जड़ ये है, गुर्जर समाज की मांग ये है कि गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा को समाज के लिए खोला जाए। ये गुर्जरों की मांग है। गुर्जर समाज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिए जाएं। अगर उनकी मांगें नहीं पूरी हुई तो वो बहिष्कार करेंगे और राजपूत समाज को वोट नहीं करने का संकल्प लिया है और आम सभा में समाज ने संकल्प लिया कि राजपूत समाज को वोट नहीं देंगे। आप समझ रहे हैं, लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मेरे दोस्तों, ये है कहानी राजपूत वर्सेस गुर्जर। गुर्जरों ने ये कसम खाई है कि वो राजपूत से किनारा कर लेंगे, उनका फुल बायकॉट करेंगे, उनका मुंह भी नहीं देखेंगे, उनसे कोई मतलब वास्ता नहीं करेंगे। गैब से मदद इसे कहते हैं, हसबी अल्लाह निमल वकील। अभी यही कुछ लोग मुसलमानों के बायकॉट की बात कर रहे थे, लेकिन हमें कुछ बोलना नहीं है। हम तो पहले से ही कहते आ रहे हैं, इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाते हैं, ससुरे जातिवादी तो खुद भाजपा वाले फैलाते हैं। ये देखिए भाजपाइयों का जातिवाद फैलाया हुआ, आज हमारे गुर्जर भाई और हमारे राजपूत भाई आपस में एकदम एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। और इस बीच में प्रशासन की तुड़ाई हो गई। वाह, प्रशासन की बंदी का घंटा कोई भी आ रहा बजा के जा रहा है। कमाल की बात तो ये है मेरे दोस्तों, ये देखिए, ये राजपूत ऑफ बिहार ने अपने आधिकारिक अकाउंट से क्या लिखा है, वीडियो में दिखा चुका हूं, लेकिन लिखा क्या है आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर हो चुका है। गुर्जर समाज ने कायरों वाली हरकत करके अपना परिचय एक बार और दे दिया। सरकारी प्रॉपर्टी, आम जनता, औरतों पर हमला करके तुम लोगों ने अपनी असली औकात बता दी। ये राजपूत समाज ने लिखा है सोशल मीडिया पर। तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त राजपूत और गुर्जर समाज एक दूसरे से कितना खफा है और यही वजह है कि ग्वालियर की इस इतनी बड़ी खबर को मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब किया हुआ है। दूसरी अहम बात है, ये देखिए तमाम तस्वीरें वहीं की हैं, लाठी चार्ज किया गया, फायर किया गया, ये पुलिस के हेडक्वार्टर ग्वालियर में, आपको बता दूं कलेक्टर ऑफिस पर पथराव किया गया, बाद में मजबूरन पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। प्रशासन को इतना पीटा है गुर्जर समाज ने कि प्रशासन भी अब 7 जन्म तक याद रखेगा, लेकिन प्रशासन की भी हैकड़ी अब निकल गई है दोस्तों। प्रशासन, ये वही प्रशासन है जो, ये गुर्जर न होते, कोई और होता तो पहली बात कोई और ये करता नहीं, मुसलमान समाज होता ना तो मुसलमानों के 7 पीढ़ियों के मकान पहले ही तोड़ देते पुलिस वाले। अब प्रशासन मुसलमान एक होता तो पूरी कौम को उठाकर जेल में डाल देते। अब बिल्डोजर पोंगा हो जाएगा, जो बड़े बड़े नेता बात करते हैं न्याय की और बिल्डोजर की, अब उनकी जबान लप लपाने लगेगी, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं नहीं बोल सकता, ये वाला कहानी हो जाएगा उनका। हाँ, ये हंसने वाली बात तो है ही, क्योंकि यहाँ बिल्डोजर की ऐसी की तैसी हो गई, अब बिल्डोजर इनका काम नहीं करेगा। लेकिन प्रशासन पर कितना जुल्म किया गया है प्रशासन खुद बता रहा है।
अब वो कह तो रहे हैं पुलिस वाले कि हम कड़ा इसका जो है एक्शन लेंगे और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, सजा जरूर देंगे। इसे भाई साहब कहने वाली बात है, पिट तो गए हैं आप, सुनिए। जैसा कि पहले आपसे चर्चा हुई थी, एक समाज विशेष का सभा थी, उसकी गंभीरता को देखते हुए, सभी की भावनाओं को देखते हुए, शर्त ये कि बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से सभा होगी, किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए और एक किसी दूसरे लोगों के प्रति कोई जहर नहीं उगलना चाहिए। इन सब शर्तों के साथ में ये सभा आज फूलबाग में आयोजित करने का प्रशासन ने मंजूरी दी थी, लेकिन शायद ये पूरा निकल के आया कि बहुत ही सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र रच के जो सो कॉल्ड जो समाज के नेता आज जो उभर के आए थे मंच पर, कहीं ना कहीं उनकी कहीं सोची समझी साजिश थी या फिर उनका आज जो भीड़ इकट्ठी हुई उस पर कोई कंट्रोल नहीं था और उसी की वजह से ये अनियंत्रित भीड़ ने पूरे ग्वालियर शहर में आज तांडव मचाया है, सरकारी प्रॉपर्टी को डैमेज किया है। उनमें से आप सभी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि ये एक तरीके से पूरा प्रशासन के साथ में विश्वासघात है। संस्कारी लोगों ने क्या हाल किया है ये कोई दिखाना नहीं चाह रहा, लेकिन मैं तो दिखाऊंगा मेरे दोस्तों। ध्यान से देखिए दोस्तों, ग्वालियर गुर्जर महापंचायत के बाद झांसी रोड हाईवे जाम हो गया था। हाईवे पर 5 किलोमीटर तक लंबे वाहनों की कतार लगी थी। कलेक्ट्रेट पर उपद्रव के बाद हाईवे पर पहुंचे गुर्जर समाज के युवकों ने फिर पता है क्या किया, ये आप गाड़ियां तो देख ही रहे हैं, ट्रकों को, आम ट्रकों को भी नुकसान पहुंचाया। तो आप समझ रहे हैं ना कहानी, अब बस इंतजार कीजिए कौन सा बिल्डोजर आता है और किसका घर तोड़ के जाता है। मोदी जी कुछ बोल नहीं पाएंगे, भाजपा जबान चिचिया जाएगी, बोल नहीं पाएंगे, चिचिया के सिर्फ रह जाएंगे ये संस्कारी पत्थरबाज। भाइयों बहनों, ये दंगा करने वाले, ये पत्थर फेंकने वाले कौन है, ये कपड़ों पे पहचाने जा। धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद। उधर दोस्तों, अभी मोदी जी ने फेंका था कि दरभंगा में एम्स बनाकर हमने तैयार कर दिया है, तो दरभंगा में सारे बिहारी एम्स ढूंढ ढूंढ कर बेहोश हो गए, नहीं मिला। अभी थक के बैठे ही थे कि आड़ भक्तों को फिर से मोदी जी ने लाइन में लगा दिया अब मोदी जी ने कह दिया भोपाल में रानी दुर्गावती स्टेशन बना दिया गया है। बहुत बढ़िया मतलब रानी दुर्गावती नाम का कोई भोपाल में स्टेशन ही नहीं है, अगले आदमी के झूठ बोलने का कोई सर पैर ही नहीं है। किसी ने कहा दो मिसाल मुझे झूठ की, मैंने 56 इंच लिखा और कलम तोड़ दिया। अजी बाबा छोड़िए मोदी का ये बयान सुनिए, वो रेलवे स्टेशन के बारे में बोल रहे हैं जो रेलवे स्टेशन है ही नहीं भोपाल में। आज वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें ला रही है, स्टेशनों का कायाकल्प कर रही है, भोपाल के रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन की प्रशंसा हर कोई कर रहा है। ये भी कांग्रेस को नहीं पच रहा है। खैर मेरे दोस्तों बोलने में क्या जाता है, जुमलेबाज आदमी को वोट दोगे तो यही तो आप गोदी मीडिया का फॉर्मेट समझ चुके हैं, अगर क्रिमिनल उनका रिश्तेदार होगा, हिंदू समाज से होगा, उन्हीं की जाति से होगा, तो ये खबर नहीं दिखानी, बिल्कुल सीधा फंडा है। और अगर क्रिमिनल मुसलमान हो तो सीधा सीधा पूरी कौम पर इल्ज़ाम लगाया जाएगा। आइए दोस्तों, यूपी के कैराना का एक मामला आपको बताता हूँ। हुआ ये कि एक डॉक्टर की लापरवाही की वजह से 2 नवजात बच्चों की मौत हो गई है। आज तक के
रिपोर्ट के अनुसार बच्चों के घर वालों ने बताया है कि क्लिनिक के मालिक ने सोने के लिए एसी को चिल्ड मोड पर डाल दिया, जिससे कमरा बिल्कुल फ्रिज की तरह ठंडा हो गया और दो बच्चों की मौत हो गई। डॉक्टर पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन डॉक्टर कफील खान पर घंटों डिबेट करने वाली यह भाड़ मीडिया डिबेट से ये मुद्दा गायब कर चुकी है, बात कर ही नहीं रही इस मुद्दे पर। पता है क्यों? क्योंकि डॉक्टर का नाम नीतू है, बहुसंख्यक समाज से है, हिंदू जात है, सनातन धर्म से है, ऊंची जाति से है, और इस नाम को बताकर टीआरपी नहीं मिलेगी। पूरे देश भर में आड़ भक्त जलील हो रहे हैं, इनका कोई काम नहीं है, ये बस ऐसे ही है कि हैं तो हैं, हैं तो हैं, लटक रहे हैं तो हैं। आज तक हमको नहीं पता, आपको नहीं पता कि ये आड़ भक्त क्यों हैं, इनका काम क्या है, लेकिन बस लटके हुए हैं। और जहां से सुरे जाते हैं जलील होते हैं, रहते फुल ओवर कॉन्फिडेंस में, लेकिन जलील हर जगह होते हैं ये आड़ भक्त, क्योंकि सोचते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में 4-5 ग्रुप में हमने एडमिशन लिया हुआ है, रोज जो सुबह जहर मिलता है बस वही पढ़ो, और वही जानकारी आ रही है, मोदी जी खुद लिख रहे हैं बैठ के, भाइयों बहनों हमने चंद्रमा पर चंद्र आवास योजना लागू कर दी है 2040 तक। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? नहीं रे मोदी, पर परेशानी मुझे क्या है, आपकी वजह से कितनों को परेशानी है वो पूछिए। चलिए आप अपने आप को किनारे कर दिए, अपने आड़ भक्तों को तो देख लीजिए। एक दिन अखंड भारत बनेगा, अखंड भारत बनेगा एक दिन। अच्छा अखंड भारत में कितने देश हैं? ये फंस गया। एक मिनट भाई साहब, अखंड भारत में कितने देश हैं? 146 देश, 146 देश। रुक जाओ भाई साहब, रुक जाओ तुम ना बोलो। 146 देश, 146 राज्य में अभी। अरे कहना क्या चाहते हो? लहरा रहा है ठीक, और क्या कहते हैं? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। तुम्हें कोमा मचा लेंगे। चाचा एक मिनट बात। बोल भाई। अरे आप बताइए। नहीं, आप डिस्टर्ब मत करिए भाई, डिस्टर्ब। अरे रुकिए। चल बोल के। और भाई साहब इसी तरह से गोदी मीडिया के पतलकार हैं ये, इतने गंदे और घिनौने हैं कि कैमरा खुलते ही इनकी दूसरी जिंदगी शुरू हो जाती है और कैमरे के पीछे ये दूसरे होते हैं। दोस्तों रूबिका चच्चा जो हैं, जो ज्ञान दे रही थी कम बच्चा पैदा करो, कम बच्चा पैदा खतरा है, गरीबी बेरोजगारी है, आप समझ रहे हैं? पहले इसका ये बयान सुनिए। ये बात तो सच है कि पॉपुलेशन बहुत भयंकर परेशानी है, और कोई भी कौम हो, कोई भी धर्म हो, अगर पॉपुलेशन वहां बढ़ रहा है तो उसे रोकना ही होगा, वरना रोजी रोटी रुक जाएगी। ये गफूर भाई जो बोल रहे थे बकर, सुना? असल में ये देखिए, इसने ये ट्वीट किया है, एक तरफ बोल रही है बच्चे कम पैदा करो, खुद बच्चों की मार्केट लेके बैठी है, 3 बच्चों के साथ इसने जो है फोटो पोस्ट किया है। मतलब हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है, मोदी जी आप ही बोलिए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। देखिए अंधभक्त बेचारे यही तो जलील हो रहे हैं, जिसको सपोर्ट करते हैं वही इनके जो है पिछवाड़े में छुरा घोंप देता है। अच्छा एक तकलीफ और देना चाहूंगा आड़ भक्तों को। आड़ भक्त सोच रहे थे कि स्वरा भास्कर जीजा तो हमारा मुल्ला ले आई, अब जो बच्चा होगा उसका नाम तो शायद वो हिंदू ही रखे, लेकिन बिटिया हुई बहुत नन्ही सी परी आई इस दुनिया में, खूबसूरत बच्ची है, मैं चेहरा नहीं दिखा सकता क्योंकि आड़ भक्तों की नज़र भी बड़ी गंदी है। अब आड़ भक्तों के लिए बुरी खबर ये है कि स्वरा ने अपनी बेटी का नाम राविया रखा है, मतलब मतलब स्वरा भास्कर भी किसी तरह से अंधभक्तों को सांस नहीं लेने दे रही हैं। हम इन्हीं चीजों में उलझे हुए हैं और भारत को विश्व गुरु बता बताकर अगला आदमी खुद झूठ बोलकर, हमने भोपाल अलाना का फलाना स्टेशन खोल दिया है,
G20 की मीटिंग होती है तो गरीबों को छुपाने लगते हैं ये। मुबारक हो, ये तस्वीर देखिए, अपने आप पर शर्म कीजिए। उन नेताओं पर लानत है जो दिन रात झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि हम विश्व गुरु बन गए हैं। लानत है उन नेताओं पर, लानत है उन पत्रकारों पर, लानत है उनकी जात पर जो झूठ दिन रात बोल रहे हैं। ये भारत में गरीबी का स्तर है, देख लीजिए। ये कोलंबिया, साउथ अफ्रीका या अफ्रीका का कोई गरीब देश नहीं है, ये हमारा भारत है और ये भारत का हाल है। पाकिस्तान पाकिस्तान चीखने वाले पत्रकार अपने कैमरों का रुख जरा इधर भी तो करें। नहीं, कैमरों के साथ साथ तुम्हारी बहुत कुछ फाड़ दी जाएगी ना, कॉपी की बात कर रहे हैं, इस वजह से तुम डरते हो, सच दिखाने से भागते हो। सबको पता है कि बीजेपी पार्टी ने तमाम मीडिया वालों को खरीदा हुआ है। सबको पता है कि बीजेपी पार्टी अब कई यूट्यूबर्स को भी अपने पक्ष में कर चुकी है। सभी को पता है कि बीजेपी पार्टी ईवीएम के साथ खिलवाड़ करती है, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ही चाहते हैं कि बीजेपी पार्टी हट जाए यहां से। बीजेपी पार्टी के नेता अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रहा है कि भाजपा में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है और बिना दलाल के कोई काम नहीं होता, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और करप्शन हद से ज़्यादा है, गरीबों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। इतना बुरा हाल तो कांग्रेस की सरकार में भी नहीं था। तवज्जो है, ये कौन कह रहा है? खुद बीजेपी पार्टी का एक कार्यकर्ता लौंडा। सुनिए, न्यूज 24 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जिसका एक मेन अंश मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखें। मुद्दा ये ठीक है, बीजेपी सरकार में क्या है कि घोटाले बहुत हो रहे हैं। 15-15 लाख रुपये दे के पटवारी का आपने देखा हुआ, अभी ये 15 लाख रुपये दे के नौकरी ले रहे हैं। कांग्रेस सरकार में ऐसा था नहीं, परिचित तो ये है, ठीक है। मैं भी क्या बीजेपी का नेता हूँ, एक ऐसा नहीं है बीजेपी का ना हूँ, लेकिन मैं बदलाव चाहता हूँ। आप बीजेपी के? जी बिल्कुल, मैं बीजेपी से हूँ और पद भी है, लेकिन बदलाव होना चाहिए, जरूरी है। अरे देवा, और तभी चाहते हैं सरकार बदल जाए? बिल्कुल बिल्कुल, इस बार कांग्रेस ही आएगी सर। तो ये आप एक युवा के तौर पे बोल रहे हैं या कि आप ये चाहते हैं कि इतना लंबा समय हो गया इसलिए बदला? लंबा समय हो गया है, अधिकारी भ्रष्ट हो चुके हैं, आम लोगों की सुनवाई नहीं है। जो बीजेपी के ठेकेदार लोग हैं सिर्फ उनकी सुनवाई होती है सर, और किसी गरीब जनता की कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर। अफसोस की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री, हमारे देश का प्रधानमंत्री सच बोल ही नहीं पाता। पता नहीं क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है मेरे दोस्तों। और ठगी में बात करें तो प्रधानमंत्री पर अब एक बड़ा और खुलासा हुआ है कि उन्होंने गुर्जर समाज को भी ठग लिया। कैसे? मैं ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये मंदिर की पेटी में लिफाफा खुद मोदी जी ने डाला था, याद है ना? जब आपका देव दरबार में 111वें प्रकटव दिवस पर देवधाम भोलवाड़ा आसिंद मालसेरी डूंगरी दर्शन का कार्यक्रम था, उस मौके पर मोदी जी ने कुछ नहीं दिया, पर हजारों की संख्या में उपस्थित गुर्जर समाज के भाइयों से आपने और बीजेपी ने वादा किया था कि मैंने गुर्जर समाज को जो भी दिया है वह मंदिर की दान पेटी में डाल दिया है। और आज जब दोस्तों दान पेटी खुली तो पता चला कि जो मोदी जी ने सफेद लिफाफा उस मंदिर की दान पेटी में डाला था उसमें 21 लाख करोड़ रुपए का चेक नहीं, उसमें सिर्फ 21 रुपया निकला। वो गुर्जर समाज और देश के सामने आ चुके हैं 21 रुपये। अब मैंने तो झेल लिया है मोदी जी का झूठ, और आप भी झेल लीजिए। अब लिफाफा है, प्रधानमंत्री मोदी जी जो लिफाफा छोड़ के गए हैं उनको हेमराज जी कोसवाल जो कि यहाँ के पुजारी हैं वो खोलने जा रहे हैं। सफेद लिफाफा है, बिल्कुल साधारण सा लिफाफा है, अब इसको यहाँ पे खोला जाएगा ताकि जो उत्सुकता इतने एक साल से थी लोगों के बीच में कि इस लिफाफे में क्या है, आज वो सामने आएगी। हम देखते हैं कुछ ही क्षणों में लिफाफा खोल दिया गया है और अब इसके देख सकते हैं, हम बात करेंगे क्या क्या निकला लिफाफे में। 21 रुपए। और कोई घोषणा वगैरह कुछ उसका हमें ज्ञान नहीं है, क्या कर रहे हैं। हमारे सामने जो दान पात्र में 3 लिफाफे निकले, एक में 101 निकले थे, एक में 2100 और एक में
21 रुपए। तो ये वही लिफाफा है जो मोदी जी अपन ने जो वीडियो में थोड़ा सा दिखा है, इसमें व्हाइट व्हाइट जो दिख रहा है तो दूसरे लिफाफे व्हाइट नहीं है, ये व्हाइट है। और इसी लिफाफे में आपके सामने खोला और इसमें ये 21 रुपए लगे। लगातार भक्तों का दिन का इंतजार। बहरहाल दोस्तों, भारत में मुसलमानों का कत्लेआम बिल्कुल शुरू हो चुका है। ये खुद मोदी जी के ही अंडर करवाया जा रहा है। जब मोदी के नेता संसद में खड़े होकर मुसलमान को खुल्ला खुल्ला गाली बके और मोदी जी की जबान तक न हिले, तो सब कुछ मोदी जी ही करवा रहे हैं दोस्तों। उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। अगर मोदी जी सच में पूरे भारतवासियों को अपना मानते, मुसलमानों को भी अपना मानते, तो कम से कम अपने नेता पर खुद कार्रवाई करते। अब मेरे दोस्तों, दानिश अली के बारे में सुन लीजिए। दानिश अली तो बहुत ऊंची वाली बात है, आम लोगों का क्या हाल होता होगा। मोदी जी उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे अपने नेता पर, गालीबाज नेता पर। अब मेरे दोस्तों, इसका मतलब सीधा सीधा साफ है। अबे भाई, जब 2002 देख कर लोगों ने, मोदी जी के बायोडाटा में 2002 सबसे इम्पोर्टेंट है, तो वो देख कर ही प्रधानमंत्री बनाया है, तो मुसलमानों को कहीं राहत मिलेगी क्या? चाहे राष्ट्रपति भवन हो, संसद में हमने देख लिया, कहीं भी अब मुसलमानों को कुछ भी कह दिया जाएगा। हिंदुओं को बता दिया गया है कि देखो, कटवा बोलना, मुल्ला बोलना, मुसलमानों को आतंकी उग्रवादी बोलना, ये बड़ी बात नहीं है। अब तो मोदी जी के नेता खुद बोल रहे हैं, हो सकता है 4 दिन बाद मोदी जी खुद ही बोलें, मोदी जी लाल किले से बोलना शुरू कर दें। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है नफरत के दौर में। और अगला इंसान अपनी कुर्सी पर चिपक के बैठने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये बात तो खुद बीजेपी के दिग्गज नेता सत्यपाल मलिक खुद कह चुके हैं। अब दानिश अली का बयान ये आया है कि अभी तो मुझे गाली दी गई है, अब मुझे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इसी के तहत जिस तरीके के निराधार आरोप लगा करके मीडिया के माध्यम से घुमाया जा रहा है, मेरा ये गंभीर आरोप है कि ये अब मेरी लिंचिंग कराना चाहते हैं, ये मेरी हत्या कराना चाहते हैं, ये उकसा रहे हैं लोगों को कि मैंने देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बोला। इसकी जिम्मेदारी मैं आज आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मेरे पास जब से इन्होंने किया है, मेरे मोबाइल पे भी बड़ी तादाद में धमकी भरे मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि आप देश में इस तरीके का माहौल बनाने का आपका इतिहास रहा है। अभी तक सड़कों पर लिंचिंग होती थी, उस दिन देख लिया कि किस तरीके से वर्बल लिंचिंग पार्लियामेंट के अंदर हुई है, फ्लोर पर हुई। मेरे दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी भी साफ बोल चुके हैं कि बहुत जल्द हम देखेंगे कि मॉब लिंचिंग किसी मुसलमान की पार्लियामेंट में होगी। मेरे दोस्तों, इस मामले से पूरे दुनिया में भारत का सर झुक रहा है, लेकिन उससे मोदी और मोदी जी की पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये वही लोग हैं जो भारत की आज़ादी के वक्त भारत के क्रांतिकारियों के खिलाफ थे, ये अंग्रेजों के साथ थे। उधर आपको बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ा है, जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई है, जिस मामले को आप शायद भूल चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरनगर तत्या त्यागी द्वारा मुस्लिम बच्चे की पिटाई के मामले के केस में सुनवाई कर रही है। इस केस में तृप्ता त्यागी पर 3 मुख्य आरोप हैं। पहला आरोप है राइट टू एजुकेशन का उल्लंघन, दूसरा है क्वालिटी एजुकेशन, तीसरा है नेहा पब्लिक स्कूल का सरकार मान्यता प्राप्त न होना और उसके बगैर, मान्यता प्राप्त के बगैर एक स्कूल को चलाना। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर आईएएस ऑफिसर से रिपोर्ट की, एफआईआर की पूरी जांच की रिपोर्ट मांगी है। मुजफ्फरनगर थप्पड़ कांड में सुप्रीम कोर्ट की यूपी सरकार को फटकार इतनी खतरनाक लगी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्कूल में सांप्रदायिक आधार पर हिंसा गलत है, बच्चों की काउंसलिंग हो। साथ में ये भी कहा गया कि यदि आरोप सही हैं तो फिर इस घटना से सरकार की अंतरात्मा हिल जानी चाहिए, सरकार को शर्म आनी चाहिए। मुस्लिम बच्चे की अन्य छात्रों से पिटाई करवाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
कि उत्तर प्रदेश सरकार को इन मामले पर ध्यान देना चाहिए। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यह घटना सांप्रदायिक नहीं थी, लेकिन इसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। यानी अभी भी योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आगे झूठ बोल रही है, लेकिन लता अच्छे तरीके से योगी सरकार को लगाई गई है। बात अगर योगी जी की आई है तो उनके प्रदेश में जो घोटाले हो रहे हैं उनके नेताओं और अधिकारियों के द्वारा, उसका क्यों ना जिक्र करूं। आए दिन ये अपनी योजनाओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं योगी जी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। मोदी जी कहते हैं हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने इतने हजार युवाओं को शादी करा दी। दोस्तों, जो सामूहिक शादियां होती हैं उसका एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, शादी घोटाला। दोस्तों, फर्जीवाड़े की भेंट चढ़ी कन्या विवाह योजना। सरकारी बाबुओं, दलालों यानी दल्लों ने, ठगों ने कागजों पर फर्जी शादियां करवाई। जिनकी शादियां हुई वो एक दूसरे को पहले से जानते तक नहीं थे, उनकी भी करा दी शादी पैसे के लिए, और जिनकी शादी पहले से हो रखी थी उनकी दोबारा शादी करा दी गई, ताकि जो रकम सरकार के द्वारा उनको दी जाती है वो उनको मिले, और उसमें से सरकारी जो दलाल हैं वो अपनी जेब में रख लें, कुछ वो एक्टिंग करने के लिए दूल्हा दुल्हन बना कर लाते उनको दे दें। तो ये अंधभक्तों का खेल चल रहा है, सरकार और अंधभक्त मिलकर देश का पैसा ऐसे लूट रहे हैं। दोस्तों, आणभक्त तो ये कर रहे हैं फर्जीवाड़ा, और आणभक्तों की बहनें कुछ अलग कर रही हैं। मैंने नहीं देखा है, अभी हमारे जो साथी हैं उन्होंने जस्ट मुझे इशारा किया है कि कुछ मिल गया है, वो तो आइए वो भी देख लेते हैं। जो भी लड़का मुझे माँ बनने की खुशी देगा उसको हम एक गाड़ी मकान देंगे 2 BHK, और 25 से 30 लाख वैसे उसकी पेमेंट है फिक्स, बट अगर जितना ज्यादा वो गुड लुक्स होगा उसको उतनी ज्यादा पेमेंट हम अच्छी दे देंगे। लड़का देखने में अच्छा होना चाहिए, जाति धर्म कलर कुछ मैटर नहीं करता है, क्योंकि मुझे उससे कोई शादी नहीं करनी है। और रही बात पेमेंट की, हम उसको स्टार्टिंग में आधी पेमेंट कर देंगे। लड़का पढ़ा लिखा हो या फिर वैसा हो बस वो हमें मैटर नहीं करता, बस बात करने की तहजीब होनी चाहिए उसके अंदर। तलाकशुदा भी हो चलेगा, 30 से 35 साल उसकी उम्र होनी चाहिए, और शादीशुदा हो तो अपनी फैमिली से एग्री हो उसकी फैमिली, तभी हम लोग उसके साथ आगे। चल 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 चल, अरे कर लेंगे बाद में, चल चल चल, गाड़ी निकाल, गाड़ी निकाल, गाड़ी निकाल, हेलमेट ले, चालान कर दे, हेलमेट ले।